गैस कुछ दिन पहले रियलमी ने लॉन्च किया था नार्जो सीरीज का दो स्मार्टफोन, रियलमी नार्जो 30 प्रो और रियलमी नार्जो 30 ए। दोनों स्मार्टफोन था काफ़ी बढ़िया सा स्मार्टफोन कम प्राइस के अंदर, एक था 5G एक था 4G। लेकिन दोस्तों रियलमी नार्जो 30 जो स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। ये स्मार्टफोन मलेशिया पे लॉन्च होने वाला 18 मई को और ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इसका सारे के सारे फुल पैक्स कन्फर्म हो चुके हैं। इसका प्राइस कितना हो सकता है और स्मार्टफोन कब तक इंडिया में आने वाला है, सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोग के साथ डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को मस्ट भी एक लाइक कर देना। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका डिजाइन के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे डिजाइन देख सकते हो, बैक साइड की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट का बॉडी देखने को मिल जाएगा क्योंकि प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगा। पॉलीकार्बोनेट का बॉडी होने के बाद भी ग्लॉस फिनिशिंग डिजाइन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ साथ बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश और रियलमी का लोगो भी देखने को मिल जाएगा, जो नार्जो का लोगो यहाँ पे बैक साइड में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो डिजाइन काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात कर जाए डिस्प्ले के बारे में। हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 6.53 इंची फुल एचडी प्लस रेजुलेशन का एक आईपीएस डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसका बेजल्स नीचे जो चेंज होने वाला है एवरेज देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्रंट साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे आपको 90Hz डिस्प्ले का रेशियो देखने को मिल जाएगा, जो रिफ्रेश रेट हायर रिफ्रेश रेट भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो वीडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक होने वाला है, फुल एचडी प्लस रेजुलेशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे जो वीडियो का क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात कर जाए इसका कैमरा के बारे में। हाँ दोस्तों, बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा जिसका मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का और उसके साथ साथ दो दो करके दो सेंसर देखने को मिल जाएगा। और सेल्फी के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाएगा। जो कैमरा क्वालिटी होने वाला है ठीक ठाक आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात कर जाए मेन पार्ट की तरफ, कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, कितना अच्छी तरीके से गेम खेल सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा जो मेगाटेक की तरफ से, मेगाटेक हेलियो G95 चिपसेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे G95 जो प्रोसेसर है कितना बेटर परफॉर्मेंस देता है, यहाँ पे गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार सा देखने को मिल जाएगा। अगर अपने यहाँ पे कोई भी गेम खेलना चाहते हो काफ़ी आसान तरीके से खेल भी सकते हो, जो गेमिंग परफॉर्मेंस होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 6GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। UFS 2.1 स्टोरेज LPDDR 4X रैम भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात कर जाए इसका बैटरी के बारे में, 5000 mAh की काफ़ी पावरफुल बैटरी देखने को मिल जाएगा, टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगा एंड 33W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपना स्मार्टफोन को कम टाइम के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो और बहुत देर तक स्मार्टफोन को यूज भी कर सकते हो। जो बैटरी बैकअप होने वाला है काफ़ी बढ़िया सा बैटरी बैकअप भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद बात कर जाए प्राइस के बारे में। हाँ दोस्तों, इसका जो बेस्ट वेरियंट 4GB 64GB जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों, 12,000 रुपीज़ के आसपास स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला। आप समझ सकते हो इसी प्राइस के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो काफ़ी बढ़िया सा स्मार्टफोन होने वाला है। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च भी होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और उसके साथ साथ मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड।